गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. दिस इज एनी एंड दिस इज माई चैनल एनीज ब्लॉग बॉक्स. आई होप यू गाइज आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू माई जंप सूट हॉल फ्रॉम मीशो. एंड इस बार भी शॉपिंग मैंने रिव्यू बेस पे ही की है. सो या एंड इन केस इफ यू वॉन्ट टू नो ये टॉप मैंने कहाँ से लिया है, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट वन ये एक पाउडर ब्लू कलर में है बट थोड़ा सा डस्की टोन है. इसमें मेंशन है कि क्रेप फैब्रिक है बट दिस इज मोर लाइक जॉर्जेट नॉट क्रेप. सो ओवरऑल ये जंपसूट कंफर्टेबल है और इसे मैंने लिया है स्मॉल साइज में. स्मॉल साइज ही इसकी सबसे लोवेस्ट साइज थी जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्टली फिट हो रही है. और लुक वाइज तो आप देख ही रहे हैं ये बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारा है. यहाँ पे आपको फ्लावर डिटेलिंग दी गई है जो बहुत प्यारी लग रही है. पीछे से आपको यू नो जिप ओपनिंग मिलेगी जो पूरी आपकी वेस्ट तक जाती है. सो ओपनिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सो गुड. नेक भी ऐसा है ना बिल्कुल चिपक नहीं रहा है कि अनकंफर्टेबल लगेगा. जैसे मैं बोल रही हूँ ना जॉर्जेट फैब्रिक है, थोड़ा सा रफ टेक्सचर होता है बट ये बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है बिकॉज इसमें ऑलरेडी यू नो इनर दिया हुआ है. और जहाँ तक बात है सी थ्रू की तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं लग रहा है मुझे. ओवरऑल जो पैटर्न है, डिज़ाइन, फिटिंग, एवरीथिंग इज सो नाइस. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसा जो मुझे इसमें कोई कमी नहीं लग रही है. और ये मुझे मिला है 577 में. मतलब इस हॉल में ये वाला पीस है जो सबसे ज़्यादा महंगा है. और इसमें 3-4 कलर्स अवेलेबल हैं जहाँ तक मुझे याद है. सो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. सो दिस लुक सो प्रिटी एक्चुअली. सो ये है दूसरा पीस जो बहुत प्यारा है. एक्चुअल में ये थोड़ा सा शर्ट स्टाइल जंप सूट है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. पहले मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ. ये स्ट्राइप पैटर्न में है, इसमें फ्लोरल प्रिंट्स हैं एंड शर्ट स्टाइल है. यहाँ पे फ्रिल्स दिया हुआ है जो बहुत प्यारा लगता है. पैटर्न वाइज इट्स परफेक्ट, सो गुड. लुक वाइज ये बहुत अच्छा लगता है. प्राइस वाइज मैं बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छा पीस है. इट्स जस्ट 493, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये आपके एंकल लेंथ से थोड़ा ऊपर आएगा, फुल लेंथ नहीं है ये. और इसमें जो मेरी साइज मैंने ली है वो है एक्स्ट्रा स्मॉल. सो एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे लगता है कि वैसे तो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो रहा है राइट, लेकिन इसमें मुझे घुसने में बहुत तकलीफ हुई है. बहुत दिक्कत के साथ मुझे इसमें घुसना पड़ा है. वो इसलिए बिकॉज इसमें जो बटन्स है ना वो यहाँ तक दी हुई है और यहाँ पे है इलास्टिक बैंड. सो ये इस इलास्टिक बैंड की वजह से ना इसमें घुसने में बहुत प्रॉब्लम हुई है. मतलब ट्रस्ट में बहुत प्रॉब्लम हुई है. ये भी जो है ना इससे ज़्यादा ये ऊपर चढ़ नहीं रहा है. ठीक है, बिल्कुल अगर मैं हाथ ऐसे ऊपर कर रही हूँ तो यहाँ से खिंच रहा है. सो इसमें अगर मैं स्मॉल साइज़ लेती तो शायद ज़्यादा बेटर होता. इसमें मैं इजीली घुस जाती, निकल जाती. बाकी फैब्रिक इज़ गुड, कंफर्टेबल, प्राइस वाइज भी काफ़ी अच्छा है. सब कुछ अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है. आई एम सॉरी गाइज अगर ये आवाज़ आ रही है तो. ओके सो ओके गाइस, बीच बीच में अगर आवाज़ आती रह रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसका. खैर फैब्रिक मुझे अच्छा लग रहा है, पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है. काफ़ी स्मार्ट पीस है और मुझे लगता है कि इसमें आपको भी एक साइज़ अप लेनी होगी. सो इस पीस का मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है. बस अगर ये स्मॉल होता तो मुझे ज़्यादा पता चलता कि उसे भी मैं कम्फर्टेबली पहन पा रही हूँ या नहीं पहन पा रही हूँ. बट अदरवाइज इट्स ब्यूटिफुल गाइज. ओ माई गॉड, दिस पीस is just so perfect. Fabric quality is amazing. Let me tell you, this is poly crepe. ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में मैंने लिया है.
और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई थी, इस पीस में आपको पॉकेट्स भी मिलेंगे। पॉकेट सिर्फ इस ब्लैक वाले में और इसमें ही है, बाकी के दोनों जो दूसरे पीस है उसमें पॉकेट्स नहीं है। सामने इस तरीके का बटन डिटेलिंग मिलेगा जो पूरे आपके वेस्ट तक जाता है। सामने ये आपको बहुत ही लंबा सा ये रिबन मिलेगा। ओके, ये फ्रिल डिटेलिंग है जो पूरा फ्रंट और बैक दोनों साइड में आ रहा है। आपको स्क्वायर नेक मिलेगा, फ्रंट और बैक दोनों ही स्क्वायर में है। जिप ओपनिंग है बैक में, पूरी आपके पूरे वेस्ट तक आता है, यहाँ तक आपको जिप मिलेगा। सो इसके अंदर घुसने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जैसी मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई है। एंड गाइस, ओ माय गॉड, लेट मी टेल यू, जितना मुझे इसमें घुसने में प्रॉब्लम हुई है ना, उससे ज्यादा मुझे इससे निकलने में प्रॉब्लम हुई है। सो मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर ये स्मॉल साइज में भी लेती तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता मुझे इसमें घुसने और निकलने में। ओपनिंग जो है वो काफी नीचे तक देनी थी, बट इसमें ओपनिंग सिर्फ यहाँ तक दी है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक ट्रूली इट्स सो ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। और इसमें भी काफी सारे कलर्स अवेलेबल है बाय द वे। और इसकी भी जो लेंथ है वो फुल लेंथ नहीं है, आपके एंकल से ऊपर तक आएगा। हाईली सजेस्ट करूंगी कि अगर आप भी ऐसा कोई प्लेन यू नो सॉलिड कलर में अगर आप कुछ जंपसूट देख रहे हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसकी फैब्रिक क्वालिटी, पैटर्न वाइज और कम्फर्ट लेवल सब कुछ बहुत अच्छा है। और प्राइस भी अगर इसकी बात करूँ तो दिस इज़ जस्ट 493, और 493 में आपको ये बहुत ही प्यारा सा जंपसूट मिल रहा है जो बहुत ही यू नो ब्रांडेड टच देता है, ऐसा आपको चीप नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ब्रांडेड टच देता है। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस जंपसूट को। और पहले इसकी फिटिंग की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है स्मॉल साइज़ में, इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं थी तो ये मैंने स्मॉल में लिया है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा लूज़ है मुझे, ये क्रेप फैब्रिक है और फैब्रिक तो कंफर्टेबल है, बट ऑनेस्टली बताऊँ ये पीस मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें जो इनर दिया हुआ है ना, इफ़ यू कैन सी, ये क्लियरली आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा और सामने भी बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि इनर यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया है। सो यहाँ पे कलर डिफरेंस दिख रहा है, और वही सेम चीज़ इसके बॉटम पार्ट में भी है। जो इनर है वो आपके मिड थाई तक आता है एंड उसके बाद से इनर नहीं है। ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, क्लियरली दिखता है कि हाफ हाफ इनर यूज़ किया गया, इससे अच्छा तो ना ही यूज़ करते तो बेटर रहता, या तो पूरा यूज़ करते। सेकेंड थिंग, इसकी जो बेल्ट है ये बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी की, आप इसे बिल्कुल मतलब यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। फ़ोटोज़ में भले ही वो ठीक दिख रहा हो और अभी भी वीडियो में मे भी आपको उतना पता ना चल रहा हो, बट ये लो क्वालिटी का है, बिल्कुल यूज़लेस है ये। बट चलो, ये बेल्ट का इतना कोई इशू नहीं है, आप इसकी जगह पे कोई भी बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। बट जो इनर वाला पार्ट है ना, ये अवॉइड नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी कलर मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें भी काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं, बट सब पीस के साथ अगर ये इनर वाली ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी तो फिर तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा, बाकी सब तो चल सकता है बट इनर वाला पार्ट नहीं चलेगा। सो गाइस, दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपके मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका फेवरेट जंपसूट इनमें से कौन सा है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।